सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुखिया आज जनता को सौगात दे रहे हैं, विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन समारोह। ये तस्वीरें सीधी वहीं से दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे प्लांट का उद्घाटन, और ये प्लांट के उद्घाटन की तस्वीरें दरअसल यहां पर फीता काटकर शुरुआत कर दी गई। विप्रो चेयरमैन अजय प्रेमजी उद्घाटन समारोह में मौजूद। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है, बेहद खास और अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा संस्कृत स्कूल की भी सौगात आज सांगानेर को दी जाएगी। फिलहाल महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है, फीता काटकर उद्घाटन की शुरुआत कर दी गई। एंट्री लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन समारोह, बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सौगात है प्रदेश की जनता को विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट के उद्घाटन की। इसके अलावा विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेम जी भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद है। विनोद सिंह चौहान हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, इस खास कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरों में जो नजर आ रहा है मुख्यमंत्री ने अभी फीता काटा है, मानकर चले कि उद्घाटन हो गया है, औपचारिक रूप से बस अभी जो शुरुआती प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। ये हाइड्रोलिक प्लांट का पहले विजिट करेंगे, हाइड्रोलिक प्लांट जी जी बनाया जाएगा, किस तरीके से काम होगा, 15 से 20 दिन मुख्यमंत्री वहां विजिट करेंगे, जानकारी उनके साथ रहेंगे। और देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने ये जो छठा इलेक्ट्रिक संयंत्र है देश भर में इसका उद्घाटन किया है, यानी जो विप्रो के चेयरमैन है अजीज प्रेम जी, उन्होंने ये 6 इलेक्ट्रिक संयंत्र का प्लांट जयपुर में लगाया है, जो पूरे देश भर में सप्लाई, भारत में विप्रो का पहला हाइड्रोलिक मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाया है। और 1.5 से 2 घंटे यहाँ मुख्यमंत्री के रुकने का कार्यक्रम अभी फिलहाल बताया जा रहा है। और देखिए, इस दौरान इंडिया के CEO और MD दीपक शेट्टी और विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर जी के MD प्रतीक कुमार भी उपस्थित है। संयंत्र की स्थापना की बात करें तो देखिए, करीब 250 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया है, जिससे करीब 400 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इस अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र में एक ही छत के नीचे क्रिटिकल प्रोसेस के जाएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से सहज हैं और पूरे कार्य जी, विनोद जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो और ज्यादा डिटेल में बताएगा, क्योंकि एक संस्कृत स्कूल की भी सौगात देने वाले हैं आज मुख्यमंत्री सांगानेर को, और अभी इस कार्यक्रम में कितनी देर मौजूद रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रोलिक प्लांट का विजिट भी यहां पर किया जाएगा, तो शायद वो विजिट करने की तस्वीरें भी अभी सामने आ चुकी है, जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा विस्तार से बताइए। कैसे लगाई गई है, कितने क्षेत्रफल में प्लांट है, प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल देखिए 400 कर्मचारियां लगेंगे, अभी 150 कर्मचारी हैं, और जैसे जैसे प्लांट रफ्तार पकड़ेगा 400 कर्मचारियों को यहाँ रोजगार मिलेगा। अभी फिलहाल जो 150 इंजीनियर हैं वही यहाँ प्लांट पर काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। अब देखिए, एक पहली गाड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठ रहे हैं, अजीत प्रेम जी बिल्कुल आगे बैठे हैं, मुख्यमंत्री उनके पीछे हैं, और विजिट के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। करीब 8 गाड़ियां हैं जिनमें मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग जो हैं वो इस प्लांट की विजिट करेंगे। बारीकी से देखा जाएगा कि क्या क्या प्लांट में तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अजीत प्रेम जी के साथ देखिए अब रवाना होने वाले हैं, और इसके पीछे 8 गाड़ी और हैं जी, प्लांट का विजिट कराए मुख्यमंत्री, बारीकी से पूरे प्लांट को देखेंगे कि क्या चीज कहाँ लगी हुई है, किस तरीके से इंजीनियरिंग क्या व्यवस्था की गई है। और अच्छी बात यह है कि देखिए, रोजगार का सृजन हो रहा है, छठा संयंत्र लगाया गया है देश भर में, छठे संयंत्र की जो इकाई है वो जयपुर में स्थापित, दुनिया में जो यहाँ उपकरण तैयार होंगे बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं जो भी आप जानकारी दे रहे हैं विनोद जी, क्योंकि अब विजिट किया जा रहा है, और इसके बारे में और जरा बताइएगा, क्योंकि विजिट कार में फिलहाल बैठे हुए हैं, अभी पूरा दौरा किया जा रहा है इस प्लांट का, जो मुख्य उद्देश्य है इस प्लांट का उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि रोजगार के भी अवसर होंगे, फायदा भी मिलेगा, उपकरण भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो फिलहाल अभी
कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है, किन किन से चर्चा की है, कौन कौन यहाँ पर जानकारी देता नजर आया मुखिया को? को जानकारी दी है कि किस तरीके से कंपनियां काम करेगी और क्या क्या चीजें तैयार की जा रही हैं, कितने लोग नियुक्त रहेंगे, कौन सी यूनिट कहाँ काम करेगी। ये अहाता जो आप देख रहे हैं अभी ये अहाता खाली है, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग लगातार होगी उसके बाद इस अहाते में भी कर्मचारी आ जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 400 कर्मचारियों को यहाँ रोजगार मिलेगा, यानी 400 परिवारों को यहाँ फिलहाल प्रथम चरण में रोजगार दिया जाएगा, उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती रहेगी। और देखिए मुख्यमंत्री की जो विजिट कार है वो बाकी बहुत धीरे चल रही है ताकि मुख्यमंत्री देख सकें कि किस किस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, कौन सा पार्ट कैसे तैयार किया जा रहा है। और उत्तर भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के साथ साथ भारत के 4 शहरों में देखिए जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई और हिंदूपुर आंध्र प्रदेश में कंपनीज अभी काम कर रही है जहाँ हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाए जाते हैं। और पूरे वैश्विक स्तर पर बात करें तो कंपनी ने 16 संयंत्र लगा रखे हैं और भारत में ये 6ठा संयंत्र है। वैश्विक स्तर पर 16 संयंत्र लगा रखे हैं और देश में 6ठा संयंत्र है, 6ठा संयंत्र जयपुर में स्थापित किया गया है जो देश और दुनिया में हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रोवाइड कराएगा। ये तमाम जानकारी सबसे साझा की गई है, मुख्यमंत्री को भी बारीकी से बताया गया है कि क्या क्या चीजें यहाँ काम में ली जा रही है और किस तरीके से। देखिए गाड़ी रोक करके मुख्यमंत्री अब बातचीत कर रहे हैं इंजीनियरों से, उन्होंने देखिए हेडफोन लगा रखे हैं ताकि दूर से संवाद करने से मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर बताया जा सके। मुख्यमंत्री ने भी हेडफोन लगा रखे हैं और इंजीनियर अपने स्थान पर खड़े खड़े मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और वो जानकारी भी हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं आपके द्वारा विनोद जी, और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन कितना ये महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, जैसे कि आपने कहा कि 6 पूरे देश भर में प्लांट और अब एक राजधानी जयपुर में भी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उद्घाटन समारोह, खुद चेयरमैन मौजूद है, विधायक कैलाश वर्मा भी मौजूद है, तो इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? आज उद्घाटन तो हो गया लेकिन ये समर्पित कब कर दिया जाएगा, इसका विधिवत रूप से जो एक कार्य योजना के अनुसार जिसकी शुरुआत होनी होती है कि रोजगार भी मिले, लोग काम भी शुरू कर सके, वो कब से हो जाएगा? काम तो छोटे स्तर पर शुरू था लेकिन आज विधिवत उद्घाटन किया गया है और अजीत प्रेम जी ने यहाँ पर पौधा लगा करके और उद्घाटन की शुरुआत करी है। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ रिबन काट कर विधिवत उद्घाटन किया है। और बड़ी बात यह देखिए इसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि 400 परिवारों को तो काम मिलेगा ही, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे और हाथों को रोजगार मिलेगा और जयपुर के लिए माइलस्टोन का काम करेगा। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट देखिए लगाया गया है और इसमें ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, रोबोटिक आर्म, हाईली एडवांस पेंट लाइन और मेटेरियल मूवमेंट के लिए जो ऑटोमेटिक मोबाइल रोबोट होते हैं उनको शामिल किया गया है ताकि रोबोट के माध्यम से यहाँ पर ऑटोमेटिक काम भी हो सकेगा। वो फिलहाल व्यवस्था यहाँ अभी शुरू नहीं की गई है, उद्घाटन समारोह के बाद किस तरीके से रोबोट काम करेंगे वो आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शुरुआत में ही इन्होंने कह दिया है कि 400 हाथों को काम मिलेगा और सुरक्षा और गुणवत्ता की जो सुनिश्चितता है उसके लिए भी बताया गया है कि एडवांस लेजर बीम और IR सेंसर की भी तैयारी है। देखिए एडवांस लेजर बीम और IR सेंसर बड़े प्रोजेक्टों में काम आते हैं और 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम चीजों का समावेश किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भी देखिए हेडफोन कान में लगे लगे इंजीनियरों से सारी बातचीत कर रहे हैं, बारीकी से पूछ रहे हैं कि जयपुर के कितने हाथों को काम मिलेगा, कितने लोगों को यहाँ काम दिया जाएगा, कितने परिवार इससे जुड़ सकेंगे। और जयपुर जो माइलस्टोन के रूप में बड़ी उपलब्धि मिली है, जयपुर को 6ठा संयंत्र देश का जयपुर में लगा है, देश दुनिया में 16 संयंत्र प्रेम जी ने लगा रखे हैं और देखिए 6ठा संयंत्र यहाँ लगा है और 250 करोड़ रुपए का ये संयंत्र है। फिर से मैं कहूंगा देखिए उत्तर भारत में 4 शहरों में जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हिंदूपुर, आंध्र प्रदेश में जी कंपनी उपस्थित हो गई है, यानी जयपुर में भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी आज विधिवत उद्घाटन के साथ ही। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा चक्कर लगाया है, संभवतः आप मुख्यमंत्री डायस पर जाएंगे, डायस पर संबोधित करेंगे, अजीत प्रेम जी डायस पर बैठेंगे, विप्रो के प्रेसिडेंट वो बैठेंगे, JCB के CEO वो बैठेंगे, तो 4 से 5 लोग उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री सीधे डायस की तरफ ही आ रहे हैं जहां से वो ऊपर डायस पर बैठेंगे और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। उन्होंने पूरा चक्कर लगा लिया है, पूरा विप्रो का जो प्लांट है उसको बारीकी से देखा है, एक एक चीज को देख करके इंजीनियरों से जानकारी लिया है कि किस तरीके से
प्लांट में काम किया जा रहा है, कौन सी यूनिट कैसे काम करी है, इंजीनियरिंग किस तरीके से काम, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत करी है। और देखिए अभी भी वो बातचीत ही कर रहे हैं, डायस के साथ बढ़ेंगे उसके बाद। डायस यहाँ देखिए कि आधे से पौन घंटे का कार्यक्रम और होगा, मुख्यमंत्री यहाँ बैठेंगे, तमाम जानकारी देंगे और कोई प्रेजेंटेशन भी यहाँ होगा जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री को और जानकारी दी जा सकती है कि अब प्लांट में क्या क्या चीजें नहीं होंगी, किन चीजों का समावेश किया जाएगा, किस तरीके से काम होगा, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उसके तैयार होने की प्रोसेस कितनी देर में होती है, कितने देर में तैयार होने के बाद वो यहाँ से देश दुनिया में भेजा जाएगा। तो संभवतः थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डायस पर होंगे और कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने पूरे प्लांट का चक्कर लगाया है, तमाम इंजीनियरों से बातचीत करी है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं और जयपुर के कितने, जयपुर यानी राजस्थान के कितने हाथों को काम मिलेगा, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। क्योंकि किसी भी अगर योजना की शुरुआत होती है, और ये तो बहुत बड़े स्तर पर योजना थी प्लांट की जिसे शुरुआत तो किया गया, लेकिन इसके अलावा और भी जगहों पर इस प्लांट को चलाया जा रहा है, और लेकिन कहां से इंस्पिरेशन या फिर यूं कहा जाए कि वो टेक्नीक सीखी गई है, क्योंकि आपने कई टेक्नोलॉजी का अभी जिक्र किया जो कि एड ऑन की जाएगी, चाहे वो रोबोटिक्स हो या न्यू टेक्नोलॉजी हो, बेहद मुख्य उद्देश्य है चाहे विद्युत बनाना हो या विद्युत सेव करना हो या फिर उस ऊर्जा संयंत्र को लगाना हो राजस्थान में, जो मुख्य उद्देश्य है वो किस तरीके से पूरा हो पाएगा, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या और ज्यादा सीखने की जरूरत है हमें दूसरे राज्यों से जहां पर ये प्लांट लगे गए हैं? देखिए जिस तरीके से उत्तर भारत में हमने बताया कि चार देखिए प्लांट लगाए हैं, छह प्लांट अब तक लग चुके हैं, जिस तरीके से जयपुर में आज प्लांट लगाया, बेंगलुरु में है, चेन्नई और आंध्र प्रदेश, तीनों देखिए इन सिटी में लगाया गया है, कंपनी ने वहां काम भी शुरू कर दिया है और अब दो सिटीज में और लगने की तैयारी है, क्योंकि वहां पर भी यूनिट डाली जा चुकी है और किसी भी समय उद्घाटन हो सकता है। बात करें देखिए इसमें जो नए संयंत्र हैं, अजीज प्रेम जी ने पूरे देश दुनिया में 16 संयंत्र लगा रखे हैं वैश्विक स्तर पर, और 6 संयंत्र भारत में है और छठी इकाई जो है वो जयपुर में है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की नई टेक्निक, क्योंकि विश्व भर में वैश्विक स्तर पर जब 16 संयंत्र लग रहे हैं तो विदेशों में जो इनके संयंत्र काम कर रहे हैं वो किस तरीके के होंगे देखने वाली बात है, और वही उसी टेक्निक को अब भारत में दिखाई देगी वो टेक्निक, और संभवतः जयपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। इस संयंत्र में टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन की लाइन तैयार की जाएगी, रोबोटिक आर्म होंगे, हाईली एडवांस और पेंट लाइन का काम होगा, मटेरियल मूवमेंट के लिए जो है ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट है जो मैंने बताया था आपको, वो तैयारी है, तमाम चीजों की तैयारियां की जा रही है और तमाम चीजें भविष्य में यानी जल्द ही इस प्लांट पर दिखाई भी देंगी और प्लांट में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी चीजों की वो देश दुनिया में भेजी जाएगी। संभवतः मुख्यमंत्री ने जो राउंड लेने के बाद अजीत प्रेम जी से बात करने के लिए, देखिए फिर पीछे के अहाते में जो गेस्ट रूम बनाया है उसमें मुख्यमंत्री और अजीत प्रेम जी बैठे हैं, थोड़ी देर में डायस पर आएंगे, पूरा चक्कर लगाने के बाद अब अजीत प्रेम जी से मुख्यमंत्री कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ बातचीत उनकी चल रही है, संभवतः 10 से 15 मिनट में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होंगे, डायस पर आएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो बारीकी से जानकारी ली, पूरे प्लांट का विजिट किया, विजिट कार में और एक एक इंजीनियर से हेडफोन के जरिए बात करी ताकि सारी जानकारी इंजीनियर साझा कर पाए और सारी जानकारी मुख्यमंत्री ले पाए। तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री अब अजीत प्रेम जी से किसी कमरे में बातचीत करें और संभवतः 10 मिनट बाद वो डायस पर आएंगे, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। देखिए यहाँ पर जो इंजीनियर्स बैठे हैं, जो अजीत प्रेम जी की कंपनी से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं, केवल उन्हें इन्वाइट किया गया है, यानी इन हाउस प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं है, तमाम इंजीनियर हैं, तमाम वो अधिकारी हैं जो और प्लांट्स में काम कर रहे हैं, देश भर में काम कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर काम करने वाले भी 3-4 जो नॉमिनेंट चेहरे हैं उनकी कंपनी के, उन्हें बुलाया गया है। तो ये इनहाउस प्रोग्राम है और बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि देखिए प्लांट का आज रनिंग तो पहले से थी, आज उद्घाटन किया गया है, अब इसको और रफ्तार मिलेगी क्योंकि देश में 6ठा प्लांट जयपुर में लगा है, इससे पहले 4 प्लांट और काम कर रहे हैं, 2 रनिंग में है, तो तमाम चीजों की तैयारी पहले से थी, 5 कर रहे हैं और 6ठा ये है। तो देखिए बेंगलुरु में बताया, चेन्नई में बताया, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में बताया, तो तमाम प्लांट जो है काम कर रहे हैं और 16 इकाइयां हैं जो वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी विदेशों में है उसका सीधा साधा असर यहाँ देखने को मिल रहा है और जयपुर के लिए माइल स्टोन के रूप में काम करेगा। 250 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है मैम, 250 करोड़ के प्रोजेक्ट को यहाँ लॉन्च किया गया और अब तेजी से काम शुरू होगा क्योंकि 400 परिवारों को, 400 हाथों को यहाँ काम मिलने की उम्मीद है।
चलिए ठीक है, अभी आप जो देख पा रहे हैं वो आप लगातार दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं आपके जरिए विनोद जी। आगे और खास कार्यक्रम भी हैं आज, तो उसके बारे में भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।